ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में ज्योतिष शास्त्र को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिष विद्या से हम किसी भी व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में आसानी से जान सकते हैं। दरअसल आपकी राशियों का सीधा संबंध आकाशगंगा में मौजूद ग्रह नक्षत्रों से होता है। ये ग्रह जैसे जैसे आकाशगंगा में अपनी पोजिशन को बदलते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी लाइफ में राशि के अनुसार अच्छे और बुरे समय आते जाते रहते हैं। उन्हीं से आपका भाग्य या दुर्भाग्य निश्चित होता है। ऐसे में आने वाले समय में यानी कि 9 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक कुछ खास राशियों का भाग्य बहुत ही खराब हो रहने वाला है। आप इस समय अंतराल में जो भी कार्य करेंगे वो बिगड़ जाएगा। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको सूर्य देव के कुछ खास उपाय करने होंगे। सूर्य देव का तेज प्रकाश अपनी पॉजिटिव एनर्जी के लिए जाना जाता है। वो अपने भक्तों का भाग्य चमकाने के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे में हम आपको कुछ राशियों के बारे में बताने वाले हैं जिनका दुर्भाग्य आने वाला है, जो सिर्फ सूर्य देव ही आपको इससे बचा सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के उन राशियों के बारे में जान लेते हैं। पहला, वृषभ राशि। इस राशि के जातकों के लिए आने वाला समय रिश्ते नातों को लेकर थोड़ा तकलीफों से भरा हुआ रहेगा। दरअसल इस दौरान आपका किसी अपने से मतभेद हो सकता है। आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं जिसके चलते आपका किसी करीबी व्यक्ति से बहुत बड़ा मनमुटाव हो जाएगा। इसका आपको भविष्य में बहुत भी नुकसान सहना पड़ेगा। अगर आप इस अनबन वाली स्थिति को टालना चाहते हैं तो ये उपाय करें कि रविवार के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं। आप जिस पात्र से उन्हें जल चढ़ा रहे हैं उसमें थोड़ा सा जल जरूर बचा लें। उसके बाद इस जल को पूरे घर में छिड़क दें। इससे आपके घर का माहौल ठंडा यानी कि पॉजिटिव रहेगा और आपका किसी अपने से लड़ाई होने का खतरा भी टल जाएगा। दूसरा, तुला राशि। इस राशि के लोगों को आने वाले समय में खराब स्वास्थ्य का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप अगले कुछ दिनों अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। इस मुसीबत से बचने के लिए सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद गाय को घी वाली रोटी खिलाएं। इससे आपका दुर्भाग्य दूर भाग जाएगा। तीसरा, धनु राशि। इस राशि के जातकों को आने वाले समय में धन का कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में आप लोगों को अगले कुछ दिनों धन का कोई भी निवेश करने से बचना चाहिए, वरना भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। और साथ ही साथ आप अपने घर के धन और कीमती सामान की रक्षा करें। इनके चोरी होने या फिर गुम हो जाने के योग बन रहे हैं। इस धन हानि को टालने के लिए आप सुबह सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाने वाले लोटे में एक सिक्का भी डाल दें। अब जल चढ़ाने के बाद ये सिक्का जब जमीन पर गिर जाए तो इसे उठा लें और किसी गरीब को दान में दे दें। इससे आपकी धन हानि रुक जाएगी। नेक्स्ट 9 भक्ति सागर से विनीत राय की रिपोर्ट।